फ्रेंड्स, आप सब तो मुझे पहचानते ही है। टेंथ के लिए हमने अब तक बहुत सारे वीडियो लाए हैं। जिस वीडियो को आप सबने देखा उसलिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज से हम एक न्यू पैटर्न शुरू कर रहे हैं 11 साइंस के लिए। मेरे साथ मेरे दोस्त है प्राध्यापक नितेश मोरे, जो एमएससी केमिस्ट्री है। आज से हम 11 साइंस के लिए बहुत सारे वीडियो डालना शुरू करेंगे, केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद बायोलॉजी। और भी टीचर्स आपके सामने आएंगे, अपना अपना टीचिंग दिखाएंगे कि हम यहाँ पे किस टेक्निक में पढ़ाने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए पहले तो हमारे चैनल को, क्योंकि सर आज जो वीडियो लेने वाले हैं उसके तीन से चार पार्ट होंगे। तो एक चैप्टर जो होगा वो चार पार्ट में हम आपको दिखाएंगे। आज पहला पार्ट हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो इस वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए, और सबसे जरूरी बात कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू भोरे क्लासेस नाशिक। माय सेल्फ नितेश मोरे, केमिस्ट्री लेक्चरर। आज तक आपने टेंथ के बहुत सारी वीडियोस देखे होंगे, लेकिन आज से हम आपके लिए 11 के वीडियोस ला रहे हैं। आज सबसे पहले मैं आपके सामने 11th केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट लेने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेसिक है, एंड दैट इज नथिंग बट सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। 11th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री का पहला यूनिट सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। लेकिन दी फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है दैट कि सर व्हाट इज मीन बाय केमिस्ट्री। आपके सामने क्वेश्चन ये होगा कि सर इस यूनिट में सबसे पहले हमें ये तो बताओ कि व्हाट इज मीन बाय केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है। तो दोस्तों, केमिस्ट्री इज नथिंग बट दी ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद स्टडी ऑफ मैटर, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग दी इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर। इसका मतलब केमिस्ट्री इज नथिंग बट दी ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद स्टडी ऑफ मैटर, स्टडी ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। स्टडी ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ड्यूरिंग दी इंटर कन्वर्जन ऑफ दैट मैटर। हेंस इन दिस चैप्टर फर्स्ट लेट अस डील विद दी मैटर। लेकिन मैटर है क्या? केमिस्ट्री हमें पता चला कि केमिस्ट्री इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ मैटर, लेकिन मैटर क्या है? मैटर इज एवरीथिंग व्हिच पजेस स्पेसिफिक मास एंड व्हिच ऑक्युपाई स्पेसिफिक वॉल्यूम। मैटर ऐसी चीज है जिसे कुछ तो भी मास है और जो कुछ तो भी वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है। इस मैटर का क्लासिफिकेशन आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। मैटर का क्लासिफिकेशन करने के लिए हमारे पास दो क्राइटेरिया है। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट मैटर का क्लासिफिकेशन अलग है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन मैटर का क्लासिफिकेशन और भी अलग है। तो चलते हैं, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर इज क्लासिफाइड By using two different criteria, मैटर का क्लासिफिकेशन करने के लिए आज हमारे पास दो क्राइटेरिया है। उसमें से पहला क्राइटेरिया है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के अनुसार मैटर इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इंटू थ्री मेन टाइप्स, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर एंड गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट मैटर इज क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप्स, इनटू थ्री टाइप्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एग्जांपल ऑफ सॉलिड स्टेट इज नथिंग बट आइस, एग्जांपल ऑफ लिक्विड स्टेट इज वॉटर, while the example of gas is vapor. Now concentrate on the examples. Ice is the example of solid state of matter, water is the example of liquid state of matter, and vapor is the example of gaseous state of matter. All these three examples can be interconvertible by changing the conditions of temperature and pressure. Means, यदि हम ice को heat करते हैं, तो ice get converted into water.
जो कि लिक्विड स्टेट है, वाटर को हीट करते हैं तो वाटर गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर जो कि गैसीय स्टेट है। इसका मतलब सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में हो सकता है, लिक्विड का कन्वर्जन गैस में हो सकता है यदि हम टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन चेंज करेंगे। तो सॉलिड को हीट कर दिया, इट इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, लिक्विड को हीट कर दिया, इट इज कन्वर्टेड इनटू गैस। इसका मतलब यदि मैंने गैस को यदि हमने कंडेंस कर दिया तो गैस गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, लिक्विड को फ्रीज कर दिया तो वंस अगेन लिक्विड गेट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। मतलब ऑल दिस थ्री फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टेबल बाय चेंजिंग द कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। नाउ सेकंड क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एंड दैट इज नथिंग बट ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, अकॉर्डिंग टू केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन के आधार पर मैटर के फिर से दो प्रकार है। केमिकल कंपोजिशन के आधार पर मैटर के कितने प्रकार है, तो एक है प्योर सब्सटेंसेस और दूसरा है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस और दूसरा है मिक्सचर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर? प्योर सब्सटेंसेस में एटम का कंपोजिशन फिक्स होता है, डेफिनेट होता है, जबकि मिक्सचर में एटम का कंपोजिशन फिक्स होता नहीं है, वो इनडेफिनेट होता है। ओके, बट प्योर सब्सटेंसेस एक ही प्रकार के एटम से बन सकते हैं, अलग अलग प्रकार के एटम से भी बन सकते हैं। इसका मतलब ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एटम प्योर सब्सटेंसेस आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू सब टाइप्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। हमें मालूम है कि एलिमेंट्स आर मेडअप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम व्हाइल कंपाउंड्स आर मेडअप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। एक ही एटम से जो बनते हैं वो एलिमेंट होते हैं और अलग अलग एलिमेंट से जो बनते हैं वो कंपाउंड्स होते हैं। इसका मतलब एटम से जो बनेगा वो एलिमेंट होगा, लेकिन दैट एटम मे बी मेटेलिक, मे बी नॉन मेटेलिक, मे बी मेटॉरिड्स। इसका मतलब एलिमेंट्स आर ऑफ थ्री सब टाइप्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड। वी नो द एग्जांपल्स ऑफ मेटल लाइक कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम। व्हाइल इन केस ऑफ नॉन मेटल्स the different examples are carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, chlorine and so on. While in case of metalloids the examples are silicon, germanium, arsenic. Silicon, germanium, arsenic are the elements belongs to the category metalloids. Carbon, hydrogen, oxygen are also the elements belongs to the category non-metalloids. While copper, iron, aluminium are the element belongs to the category metals. मतलब elements metallic form में हो सकते हैं, elements non-metallic form में हो सकते हैं और कुछ element metalloid form में भी हो सकते हैं। यह है ऐसी element जो एक ही प्रकार के atom से बने हैं, लेकिन जब अलग अलग element combine together then we get the compounds। अलग अलग element combine होने के बाद क्या बनता है? Compounds। लेकिन compound के generally दो प्रकार हमारे सामने हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आपको मालूम है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हम उसी कंपाउंड को बोलेंगे विच कंटेन कार्बन। जिस कंपाउंड में कार्बन है वो ऑर्गेनिक जाना जाता है और जिसमें कार्बन नहीं है वो इनऑर्गेनिक। मतलब कंपाउंड्स आर वंस अगेन अप टू सब टाइप्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड सेकंड वन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नथिंग बट दोज कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन, जैसे कि एग्जांपल हमारे सामने है मीथेन CH4, इथेन C2H6, ग्लूकोज C6H12O6। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे सामने ऑर्गेनिक के हैं जिनमें कार्बन है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। लास्ट वाला एग्जांपल हमारे सामने है वो है ग्लूकोज। नाउ लेट अस डील विद द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन नहीं है, जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल हमारे सामने है H2SO4 जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जानते हैं, जिसमें कार्बन नहीं है, इसीलिए इट बिलोंग्स टू द कैटेगरी इनऑर्गेनिक कंपाउंड। नाइट्रिक एसिड HNO3, कार्बन नहीं है। वाटर H2O,
इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब ये सब ऐसे कंपाउंड है जिसमें कार्बन नहीं है, नोन एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जबकि ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन प्रेजेंट है आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड रही या इनऑर्गेनिक कंपाउंड, दे बिलोंग्स टू द कैटेगरी मेजॉरिटल कंपाउंड्स। ओके, प्योर सब्सटेंसेस के दो प्रकार हमने देखे, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। प्योर सब्सटेंसेस में एटम का रेशियो ये फिक्स है, डेफिनेट है, लेकिन ऐसा मैटर अब हम देखने जाएंगे जिसमें एटम का कंपोजिशन फिक्स नहीं है, डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट है, दैट इज नोन एज मिक्सचर। मिक्सचर के भी हमारे सामने दो प्रकार है, एक है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। फर्स्ट वन इज नथिंग बट होमोजीनियस मिक्सचर एंड सेकंड वन इज नथिंग बट हेटेरोजीनियस मिक्सचर। व्हाट इज मीन बाय होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस? होमोजीनियस का मतलब है जिसमें थ्रू आउट द कंपोजिशन सभी कंपोनेंट केवल एक ही फेज में दिखाई देते हैं, उसे हम बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर, और मिक्सचर में जितने भी कंपोनेंट है वो अलग अलग फेज में दिखाई देंगे तब हम उसे बोलेंगे हेटरोजीनियस मिक्सचर। इसमें एटम का कंपोजिशन फिक्स होता नहीं है, जैसे कि होमोजीनियस मिक्सचर का सिंपलेस्ट एग्जाम्पल हमारे सामने है एक्वियस शुगर सोल्यूशन। देखो एक्वियस शुगर सॉल्यूशन का मतलब है कि सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, वाटर लिया उसमें शुगर डाल दी, स्टर करने के बाद शुगर गेट डिसअपीयर, शुगर दिखाई नहीं देती है। इसका मतलब ऐसा है कि वाटर और शुगर दोनों एक ही फेज में हैं, इसीलिए एक्वियस शुगर सॉल्यूशन बिलोंग्स टू द कैटेगरी होमोजीनियस मिक्सचर, सेम टू सेम। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है होमोजीनियस मिक्सचर का, वो है एक्वियस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, एक्वियस एनओएच सॉल्यूशन, एक्वियस केओएच सॉल्यूशन। होमोजीनियस सॉल्यूशन के ढेर सारे एग्जांपल हम लिख सकते हैं, लेकिन आपको एक बात क्लियर करनी है कि होमोजीनियस मिक्सचर में कंपोनेंट दो हो या दो से ज्यादा हो वो सभी एक ही फेज में दिखाई देते हैं, लेकिन जितने कंपोनेंट प्रेजेंट है वो अलग अलग फेज में दिखाई देते हैं तो हम उसे होमोजीनियस के बदले क्या बोलेंगे, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। देखो हेटेरोजीनियस मिक्सचर का सिंपलेस्ट एग्जाम्पल हमारे सामने है मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वॉटर। वॉटर में हमने सैंड पार्टिकल डाल दी, चाहे आप कितना भी समय से स्टर करो सैंड पार्टिकल वॉटर में डिजोल्व होने वाले नहीं, मतलब सैंड अलग पोजीशन में है, वाटर अलग फेज में है, दोनों की अलग अलग फेज सबको दिखाई देती है, इसका मतलब कंपोनेंट की फेज अलग अलग जब होती है तो हम उसे बोलते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर। दूसरा और भी सिंपल एग्जाम्पल हमारे सामने है, वो है कॉन्क्रीट। हमें मालूम है कि कॉन्क्रीट इज मेड अप ऑफ सीमेंट, सैंड पार्टिकल एंड अदर कंपोजिशन, तो जिसमें सीमेंट की फेज अलग है, सैंड पार्टिकल की फेज अलग है, वाटर की फेज अलग है, वो चाहे जितने भी कंटेंट उसमें है वो सब उनकी अलग अलग फेज में दिखाई देते हैं, उनकी यूनिफॉर्म एक ही फेज नहीं है, इसीलिए कॉन्क्रीट बिलोंग्स टू द कैटेगरी हेटेरोजीनियस मिक्सचर। सैंड एंड वाटर का मिक्सचर जो है वो भी हेटेरोजीनियस में आएगा, लेकिन जब अलग अलग कंपोनेंट एक ही फेज में होते तो होमोजीनियस होते हैं, जैसे कि एक्वियस शुगर सॉल्यूशन, एक्वियस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, एक्वियस सॉल्ट सॉल्यूशन। इस प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ फेजेस इन्वॉल्व इन द मिक्सचर we have seen homogeneous and heterogeneous mixture, while matter on the basis of chemical composition we have seen pure substances and mixture, two main categories, while on the basis of physical state matter are of three main types, solid state, liquid state, gas state। matter का classification करने के लिए हमारे पास दो criteria थे, physical state के अनुसार matter के तीन प्रकार हमने देखे, solid state of matter, लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर एंड गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। देखो सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर एंड गैसियस स्टेट ऑफ मैटर ये सब इंटरकन्वर्टेबल है। सॉलिड को हीट कर दिया लिक्विड, लिक्विड को हीट कर दिया गैस, गैस को कंडेंस कर दिया फिर से लिक्विड, लिक्विड को कंडेंस कर दिया फिर से सॉलिड, लिक्विड को फ्रीज कर दिया फिर से सॉलिड। इस प्रकार सॉलिड लिक्विड गैस ये तीनों स्टेट इंटरकन्वर्टिबल है, लेकिन केमिकल कंपोजिशन के अनुसार मैटर के केवल दो प्रकार हमारे सामने है, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस के फिर से दो प्रकार, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स।
इलेमेंट एक ही एटम से बने होते हैं और अलग अलग इलेमेंट से बने होते हैं कंपाउंड्स। इलेमेंट्स मेटालिक हो सकता है, नॉन मेटालिक हो सकता है, मेटालॉइड्स हो सकता है। जैसे कि मेटल का एग्जांपल हमने देखा कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर एंड सो ऑन। नॉन मेटल के भी बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे सामने है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, ये सब नॉन मेटल्स कैटेगरी में आते हैं। और मेटालॉइड का मतलब ऐसा होता है कि मेटालॉइड्स आर नथिंग बट दोज एटम्स व्हिच शोज बोथ द प्रॉपर्टीज, मेटालिक एज वेल एज नॉन मेटालिक। जैसे कि मेटालॉइड का सिंपलेस्ट एग्जांपल आपके सामने सिलिकॉन। सिलिकॉन इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो कि मेटल की प्रॉपर्टी है, बट इट इज लाइट इन वेट जो कि नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है, इसीलिए सिलिकॉन बिलोंग्स टू द कैटेगरी मेटालॉइड। सेम टू सेम सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम, आर्सेनिक, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मेटालॉइड के हैं। अब हम चलते हैं कंपाउंड्स की तरफ जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, लेकिन कंपाउंड हमारे सामने केवल दो है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बन से बने हैं और जो कार्बन से नहीं बने हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड को हम जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं जिसमें हमारे सामने मीथेन है, इथेन है, ग्लूकोज है, और जिसमें कार्बन नहीं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और वाटर। ओके, अब हम जाने वाले वन सेकेंड मिक्सचर की तरफ। मिक्सचर के दो प्रकार, होमोजेनियस मिक्सचर, हेटरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर का सिंपलेस्ट एग्जांपल आपके सामने एक्वियस शुगर सॉल्यूशन, एक्वियस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, और हेटरोजेनियस मिक्सचर का सिंपल एग्जांपल आपके सामने है मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर। दूसरा एग्जांपल है कॉन्क्रीट। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने केवल सबसे पहला यूनिट 11 केमिस्ट्री स्टैंडर्ड का जो है वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें आज हमने केवल मैटर की जानकारी ली है, मैटर का केवल बेसिक क्लासिफिकेशन लिया है। इसके आगे के वीडियो देखने से पहले आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, भोरे क्लासेस नासिक। इसके बाद यदि आपको हमारे क्लास के बारे में और इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज कॉन्टेक्ट अवर ब्रांच, एंड नेक्स्ट वीडियो का आप आनंद लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।